चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहिबान अहमद कबूल साहब मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, और सब दोस्तों को, जियालों को, शेख बरादरी के सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे सबको जल्दी है प्रोग्राम की, और सब कह रहे हैं कि जिसको शॉर्ट किया जाए। बहरहाल पहले तो आप सबका बुलाने पे हम सबको यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम शेख बरादरी का मैं मशकूर हूँ कि आपने सदरुद्दीन शेख साहब का, खास तौर पे इनकी पूरी बॉडी का, और जो शेख बरादरी के इनके दोस्त आए हैं लड़काना से, उन सब का भी मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतना जबरदस्त प्रोग्राम रखा यहाँ पर और हम सबको यहाँ पर मधु किया, सब दोस्तों को। मेरा ख्याल से सदरुद्दीन शेख साहब की जो काविशें हैं इस गुलशन हदीद के लिए खास तौर पे, और अगर ये कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट मलीर के लिए, तो वो शायद किसी से भी छुपी भी नहीं है। क्योंकि मुझे याद है जब इन्होंने इस छोटी सी डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया था यहाँ पे, और आज वो माशाल्लाह एक हॉस्पिटल की शक्ल अख्तियार कर गई है, और माशाल्लाह 24 घंटे वो डिस्पेंसरी रन करती है और हॉस्पिटल, और गालिबन उसकी कोई नॉमिनल सी फीस है जो शायद किसी सरकारी हॉस्पिटल के बराबर होगी, और फैसिलिटीज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं खुद भी उस हॉस्पिटल में अक्सर चक्कर लगाता रहता हूँ, वहाँ पे लेबोरेटरी है और जो भी इनकी काविशें हैं माशाल्लाह उसको बिल्कुल हम सराहते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मलीर में, सदरुद्दीन शेख साहब जैसे और भी लोग ऐसे होने चाहिए। और ये काम जो इन्होंने शुरू किया है, अल्लाह इनको हिम्मत दे और इनको इससे ज्यादा तरक्की दे, इंशाल्लाह ताला ये काम आगे इनका चले, बड़े फूले फले। और जो अवामी खिदमत ये कर रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज है, और बेलौस तरीके से जो कर रहे हैं वो बहुत बहुत बड़ी बात है। बहरहाल दोस्तों, हम सब यहाँ पर